देश के संसाधनों को बचाना कैसे, हर पैसा ठीक जगह खर्च कैसे हो, ये भी कैसे करना है। दूसरा, जब कांग्रेस ने हमें सत्ता दी तब क्या स्थिति थी देश की? इंडिया वॉज अमंग द फाइव फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पांच लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था जब हमें सत्ता सौंप कर गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके नेतृत्व के कारण आज भारत दुनिया की पहली छह अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हुआ है। यह नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। फॉरेक्स रिजर्व्स $298 बिलियन थे भारत के, आज फॉरेक्स रिजर्व्स $591 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि जितना 70 साल से ज्यादा समय में कांग्रेस ने इकट्ठा करने में लगाया, मोदी जी ने 7 सालों में उससे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हिंदुस्तान के हम रख दिए, यानी कि जितना हमने कर्जा लिया उससे ज्यादा हमारे पास खजाने में पड़ा है। ये बहुत कम देशों के पास है, हिंदुस्तान ने किया है। ये कुछ बातें जो रोजमर्रा की चर्चा में नहीं आएंगी, कोई समाचार पत्र इसके बारे में नहीं लिखेगा, कोई आपकी उपलब्धियों को नहीं बताएगा, लेकिन इसे हमारे कार्यकर्ताओं को बार बार बताने की आवश्यकता है, ताकि हम कहें, किसी ने बीच में से अच्छा सुझाव दिया कि अटल टनल के बारे में बोलिए। आप ही नहीं, आज पूरा देश बोल उठा है कि हिंदुस्तान को एशिया की या सबसे ऊंचाई पर जो टनल बनाकर दी, तो जो वर्षों से नहीं बन पाई वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर हिमाचल को करने का काम किया। दुस्समय भी कटाक्ष ही कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, आलोचना ही कर रही थी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देश के हर कोने में जमीन पे लगे हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज अगर दुनिया भर के देशों में कहा जाता है कि किसी देश ने, जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है उन देशों में किसी देश का नाम आता है तो हमारे भारत का आता है। क्यों आया? क्योंकि मोदी जी ने नेतृत्व किया। मुझे आज भी याद है 24 मार्च को जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा, तो माननीय गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और मुझे, तीनों को वहां पर बुलाया गया प्रधानमंत्री जी के निवास पर। लगातार हमारी बैठकें 3-2 महीने तक इस पर होती रही, क्या करना चाहिए, संसाधन कम है, कितनी लंबी लड़ाई होगी किसी को पता नहीं। क्या आप में से किसी को पता था 24 मार्च को क्या होगा? किसी को कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। कम संसाधनों के बावजूद मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, गरीब से गरीब भी, जो भूख के कारण मरे या भूखमरी के कारण मरे। हमें हर किसी को अन्न और धन देने का काम करना है। आज मैं यहां पर खड़ा होकर कह सकता हूं 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल और चना देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, कोई दुनिया का देश नहीं कर पाया। मेरे हिमाचल प्रदेश को भी उस समय में हम लोगों ने 2,96,698 लोगों को तो रसोई गैस के सिलेंडर मिले, यानी कि मुफ्त गैस के सिलेंडर भी देश भर के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए गए। 28,30,000 लोगों को तो अनाज यहां पर दिया गया, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं सिर्फ। यही नहीं, 6,70,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक जो थे उनको लगभग 100 करोड़ रुपया, 1,500 रुपया हर महिला को उनके खातों में देने का काम मोदी सरकार ने किया। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 8,70,609 लाभार्थियों को 2,000 रुपए की किस्त उनके खाते में डालने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा जो मिलती थी वृद्ध विधवा या दिव्यांग को वो तो मिली, उसके अलावा 1,000 रुपए उनको अलग से दिया गया। 1,11,000 से ज्यादा हिमाचल के लोगों को ये भी मिलने का लाभ मिला। इसके अलावा वेस एंड मीन्स एडवाइज, क्योंकि जयराम जी को इसका अनुभव भी होगा कि 60% वेज एंड मीन्स एडवांसेस हमने ज्यादा दिए ताकि आपको पैसा ज्यादा मिले। FRBM एक्ट में एक प्रावधान है कि 3% से ज्यादा राज्य कोई भी कर्जा नहीं ले सकता, वो कर्जा आप ज्यादा भी ले सके उसमें प्रावधान नहीं मिलता था, अनुमति नहीं मिलती, उसको भी 2% बढ़ाया गया और उससे भी कुल सभी राज्यों का मिलाकर 4,27,000 करोड़ से ज्यादा
सभी राज्य ज्यादा अपना पैसा ले सकते थे। जीएसटी की कलेक्शन नहीं हुई उसके बावजूद हमने केंद्र में यह प्रावधान करके दिया कि राज्यों को कोई दिक्कत ना आए। केंद्र के पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ लेकिन फिर भी राज्यों को उनका शेयर समय पर मिले, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिले, केंद्रीय करों का हिस्सा भी मिले। केंद्र सरकार ने किसी राज्य का कोई हक नहीं मारा और हिमाचल को तो 450 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया जिस पर ना कोई ब्याज ना कोई किश्त वापस करनी है। 50 साल के बाद वो पैसा वापस होगा, 50 साल तक आपको उसके लिए कुछ नहीं करते।